दो लड़कियां एक मोटे लड़के को चिढ़ा रही हैं। उनमें से एक अपनी पोशाक ऊपर उठाई और लड़के से कहा, मुझे तुम्हारा देखने दो, मैं तुम्हें अपना देखने दूंगी, चलो मेरे प्यारे लड़के। अचानक लड़के की आंखों में चमक आ जाती है। इस आकर्षण को रोक नहीं पाया तो उसने अपना अंडरवियर उतार दिया। ये क्या है? और लड़की हंसने लगती है। मोटा लड़का कितना गुस्सैल और शर्मीला है, उसकी पैंट खींचो और भाग जाता है। दोपहर को लड़की बाइक से घर जा रही है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ती है, मोटा लड़का अचानक उसके सामने आ गया। फिर उसने उसकी बाइक रोकने के लिए पेड़ की डाल का इस्तेमाल किया। उस समय लड़की जमीन पर गिर गई और हिल नहीं सकी। लड़के ने लड़की की साइकिल उठाई और इसे सीधे पुल के नीचे फेंक दिया। यह देखकर लड़की बहुत डर जाती है। उसने उसे माफ करने के लिए विनती की, लेकिन मोटा लड़का गुस्से में दिखता है। उसने उसे नीचे फेंक दिया। समय गुजरता है, 10 साल बीत चुके हैं। मोटा लड़का बड़ा हो गया लेकिन फिर भी मोटा है। अब मोटा आदमी एक ऑनलाइन इंजीनियर है। क्योंकि वो बदसूरत और मोटा है इसलिए उसे हमेशा तंग किया जाता है। वो गुस्से में है लेकिन कुछ कह नहीं सकता। मोटे आदमी की एकमात्र खुशी काम करने के बाद लड़कियों के लाइव स्ट्रीम देखना। यहाँ उसका रूप कोई नहीं जानता, वो इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है। असल में जो लोग इस ऐप पर लाइव स्ट्रीम करते हैं सभी सुंदर लड़कियां हैं। एप्लीकेशन उनके जीवन को 24/24 लाइव स्ट्रीम करेगा। कभी कभी फैंस ढेर सारे तोहफे देते हैं, यहां तक उन्होंने अपने कपड़े भी उतारती है घर में रहने वाले लोगों के लिए, और एक कंपनी में बिग बॉस भी, यहां तक वृद्ध लोग भी। उस दिन ऐप एक नए लाइव स्ट्रीमर की भर्ती करता है। वह काइली एटकिंस है। वह सेक्सी और आत्मविश्वासी है, सुंदर, बहुत सारे दर्शकों को आकर्षित करती है, जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाली है। मोटा आदमी लाइव स्ट्रीम देख रहा है, उसे काइली एटकिंस से भी प्यार हो गया। लड़की नहा रही है लेकिन वहाँ एक CCTV है। वास्तव में वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। मोटा आदमी कंप्यूटर के सामने बैठा है। वो स्क्रीन छूने के लिए अपना हाथ उठाता है। वो उसके बारे में सोचता रहता है। वो बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठा करता है। सपने देखता है कि काइली एटकिंस उसकी प्रेमिका है। उसने एक कठपुतली भी बनाई जो बिल्कुल काइली एटकिंस की तरह दिखती है। वो उसे हर रोज किस करता है। काइली एटकिंस के करीब होने के लिए उसने उसे ढेर सारे उपहार भेजे। बड़ा प्रशंसक बन गया जिससे उसे मौका मिला उसके साथ निजी तौर पर चैट करने के लिए। लेकिन मोटे आदमी ने काइली एटकिंस से नहीं पूछा शरीर को दिखाने के लिए, उसने उसे सिर्फ उसके साथ चैट करने के लिए कहा था। रिश्ता एक कदम आगे जाता है। काइली एटकिंस का कहना है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो गलत समझता है, वो उसको पसंद करती है। वो बहुत आश्वस्त है और उसे फोटो भेज देता है इसे काइली एटकिंस को दिखाने के लिए। मोटे आदमी की फोटो देखकर काइली एटकिंस तुरंत रुक गई और हंसी। लेकिन क्योंकि उसने उसे ढेर सारे तोहफे दिए थे तो उसने कहा कि वो सुंदर है, जिससे वो बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले दिन जब वो काम पर जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सहयोगी को बहुत देर तक देखा, वो उसे बुरा आदमी कहती है। वो उसका अपमान करती रही जिससे वो नाराज हो गया। लड़की ने धमकी भी दी उसे निकाल देगी, जिसने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया। वो अब और नहीं सह सकता और सीधे उसके सिर पर मारा, लड़की के सिर में छेद कर दिया। अन्य सहकर्मी सभी चौंक गए, सब देखते रह जाते हैं। महिला घायल नहीं हुई थी, पता चला कि सपना था। मोटा आदमी घर जाता है बहुत खराब मूड के साथ। वो कंप्यूटर चालू करता है, लड़कियों के लाइव स्ट्रीम रूम में लॉक करता है। वो काइली एटकिंस को देखने जा रहा था लेकिन उसने गलती से इसे दीवार पर देख लिया। उसकी तस्वीर फोटो पर ऐसे शब्द भी थे जो उनका अपमान करते हैं। लाइव स्ट्रीम रूम में बस एक उपहार दें, लाइव स्ट्रीमर वही प्रदर्शन करती जो पुरुष देखना चाहते हैं। यहाँ मोटा आदमी नंबर एक दर्शक है। महिला देखने वाले को कहा कि वो बहुत सुंदर है। लेकिन अगले दिन मोटे आदमी की तस्वीर दीवार पर चिपकी हुई है। अपमानजनक शब्द भी हैं, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। वो नाराज हो जाता है। वो एक चाकू लेता है, कठपुतली को लगातार छुरा घोंपने लगता है, किंतु पर्याप्त नहीं। मोटा आदमी कंप्यूटर पर आता है। बेहतर इंजीनियर तकनीकों के लिए धन्यवाद। उसे जल्दी से लाइव स्ट्रीम हाउस का पता मिल गया। पता चला कि वह भी हैकर है। वह फैसला कर लेता है, अपना अपमान करने वालों से बदला लेना चाहता है। उसने नकाब पहना था, घर आया आंखों में स्प्रे करके उसने सुरक्षा गार्डों को मार डाला। निगरानी कक्ष में बॉस और कर्मचारी स्टाफ उसके विरोधी नहीं है, सभी को नॉकआउट कर दिया गया। वहाँ लड़कियाँ, वह शीर्ष दर्शक है। उसे दुख पहुँचाया था, वो विलेन बन चुका था। हवेली में प्रवेश करने के बाद उसने पाया लंबे बालों वाली लड़की ने अभी अभी अफीम का इंजेक्शन लगाया, फिर उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पहली लड़की को मारने के बाद मोटा आदमी अपना फोन निकालता है, अन्य लड़कियों के ठिकाने का पता लगाता है। उस पल लाइव स्ट्रीम के दर्शक, एक दर्शक उसे वीडियो में देखा, सुनहरे बालों वाली लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है।
फिर उसका चेहरा काट दिया जाता है, फिर दोनों हाथ काट दिए। एक युगल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसका अगला निशाना बने। मोटा आदमी दूसरे आदमी के पास दौड़ता है, उसे गिरा देता है, फिर वो लड़की को पकड़ लेता है, उसके मुंह में एक प्लास्टिक केला डाल देता है, फिर उसके मुंह और नाक को टेप से ढक देता है, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। फिर वो एक आरी का उपयोग करता है, उसने उस आदमी का सिर काट दिया। यह दृश्य, काले बालों वाली लड़की ने उसे देख लिया, वो तुरंत मुड़ती है और भाग जाती है, लेकिन मोटे आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया, वो उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलता है। तभी मोटे आदमी को पता चलता है कि लड़की सोना ले रही है, वह तापमान बढ़ा देता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। तापमान बढ़ता रहता है, लेकिन लड़की दरवाजा नहीं खोल पा रही थी और वो अंदर ही मर जाती है। यह लड़की पूल से बाहर आई है, मोटा आदमी हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है। काइली एटकिंस खिड़की से उसे देख लेती है, वो जानने के लिए लाइव स्ट्रीम देखती है। मोटे आदमी ने सभी को मार डाला, वह भी भागने लगती है। जब वो हवेली की दीवार पर दौड़ती है, जो कि बहुत ऊंचा था, वो चढ़ नहीं सकती, तभी मोटा आदमी उसका पीछा करता है। काइली एटकिंस मोटे आदमी के हमले से बचती हैं, वो दौड़ती रहती है, वो नीचे तहखाने में भागती है, वो लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है। सीसीटीवी के वो बिलियर्ड स्टिक तोड़ती है हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए, फिर वो एक कैमरा उठाती है, वो बिजली बंद कर देती है, अंधेरे में कैमरे को धन्यवाद देती है। काइली एटकिंस ने मोटा आदमी ढूंढा, जब वो करीब आया, काइली एटकिंस बिलियर्ड स्टिक का उपयोग करती हैं मारने के लिए, फिर कैमकॉर्डर का उपयोग करती है, कैमकॉर्डर से मारती है बार बार, जब तक मोटा आदमी मर नहीं जाता, लेकिन कैमरा अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। इस दृश्य को दर्शकों ने देखा है, मैं फिर कभी किसी लाइव स्ट्रीम पेज पर नहीं जाऊंगा। इस फिल्म को देखने के बाद पता नहीं अगर बहुत लोग अब भी डार्क वेब देखते हैं। इस मोटे आदमी के बारे में क्या वो आपको किसी लाइव स्ट्रीम की याद दिलाता है? फिल्म खत्म हो गई है, अगली फिल्म में मिलते हैं।